तो अगर आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र यानी कि मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम, इन सभी पर जो एड्रेस बार आता है उस पर जितना भी आप डेटा आपने ब्राउज़ किया है, उन सभी डेटा को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सीखते हैं बारी बारी से इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम ब्राउज़ डेटा को किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो स्टार्ट मेनू पर जाते हैं और हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। इस पर देखेंगे तो आप ये राइट साइड में ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके इंटरनेट ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर आते ही एक विंडो ओपन होगी, इंटरनेट ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑफ एग्जिट, आप इस पर साइन लगाएंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर ये हमें डिलीट करने को बोल रहा है, इसके बाद आप फिर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डिलीट कर देंगे तो जितना भी डेटा होगा आपने इंटरनेट पर ब्राउज़ किया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा अप्लाई करते ही, फिर ओके कर देंगे। ओके, सेम इसी प्रकार से आप चाहें तो मोज़िला फायरबॉक्स पर भी कर सकते हैं। तो मोज़िला फायरबॉक्स ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट मेनू से ऑल प्रोग्राम में जाकर मोज़िला फायरबॉक्स। मोज़िला फायरबॉक्स पर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन जाते ही एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है व्हेन यूजिंग द लोकेशन बार सजेस्ट, तो यहाँ पर आप नेवर करेंगे, नथिंग करेंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लियर योर रिसेंट हिस्ट्री, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पर आप लास्ट हावर्स, लास्ट 2 हावर्स, 4 हावर्स, आप अपने इस मुताबिक किसी भी हावर्स की हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं क्लियर पे क्लिक करके। इसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपके मोज़िला फायरबॉक्स को जितने भी आपने डेटा को ब्राउज़ किया है वो सब डिलीट हो गया होगा। अब बात करते हैं गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम पे देखेंगे तो इस पे भी राइट साइड में ये ऑप्शन आता है और इसमें सेटिंग आती है, सेटिंग में आपका एक टैब ओपन होगा, इसमें आप नीचे जाएंगे और लिखा होगा शो एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक करते ही आपकी प्राइवेसी के लिए खुलेगा, प्राइवेसी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने मुताबिक कर सकते हैं कौन से दिन आपको किस हावर्स की करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और फिर क्लियर ब्राउज डाटा कर देंगे। जितना भी डेटा आपने ब्राउज़ किया होगा गूगल क्रोम पर वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार से आप अपने ब्राउज़र पर अपने हिस्ट्री को जितना भी आपने ब्राउज़ किया उसको क्लियर कर सकते हैं, मुझे लगता है समझ आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।